हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग टेक्निक। यहाँ पे मैं शो करने वाली हूँ आप लोगों को कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के अंदर कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं और किस तरह से इसमें काम किया जाता है। ये कुछ कलर्स लिए हैं मैंने, यहाँ पर ब्लू के शेड्स ले लिए हैं, बहुत ही नॉर्मल और बेसिक कलर्स यहाँ पर ले रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने कैमल का फैब्रिक का कलर्स यहाँ पर यूज़ किया है। उसके अलावा भी जो भी मैं मटीरियल यहाँ पर यूज़ करूँगी वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और आपको वहाँ पर सारे मटेरियल्स की डिटेल वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक नाइफ ले लिया है और इससे मैं कलर्स को कैनवस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ये ट्यूटोरियल बिगनर्स के लिए है, जो बिगनर्स एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जानना चाहते हैं कि क्या होती है और किस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कर सकते हैं, उनके लिए ये ट्यूटोरियल है। बहुत ही इजी सा ट्यूटोरियल बनाया है मैंने यहाँ पर, जिससे वो समझ सकें कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग क्या होती है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है जहाँ हम लोगों को बहुत क्लियरिटी नहीं होती कि हमको इसमें से क्या मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, उसके पीछे डेफिनेटली एक मैसेज होता है उस पेंटिंग के पीछे, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी नहीं होती, उसको बहुत डीपली देखना पड़ता है कि अच्छा इसमें ये चीज़ दिख रही है, अच्छा इसमें हाउस दिख रहा है, अच्छा इसमें ट्री दिख रहा है। बस यही एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है। अगर आप बिगनर हैं तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग क्या होती है। तो यहाँ पर कलर्स निकाल पेंट्स निकाल लिए हैं मैंने और यहाँ मैं स्प्रे कर रही हूँ। देखिए, वाटर का स्प्रे कर रही हूँ यहाँ मैं अपने सरफेस को, जो मेरा कैनवस मैंने यहाँ लिया है उसके सरफेस को मैं मॉइस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है, वाटर का स्प्रे किया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है नाइफ। यहाँ पर जो मैं नाइफ का सेट यूज़ कर रही हूँ वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। जो मैं नाइफ का सेट यहाँ यूज़ कर रही हूँ उसका डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल हल्के हाथ से हमको नाइफ को ऊपर लेके जाना है और उसी नाइफ को हमको नीचे लेके आ जाना है, बहुत ही हल्के हाथ से। तो जो मैंने यहाँ पे कलर्स लगाए थे, देखिए, कोबाल्ट ब्लू यूज़ कर सकते हैं हम, पर्शियन ब्लू यूज़ कर सकते हैं, वाइट यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, टाइटेनियम वाइट। तो इन सब कलर्स को हम इस तरह से, ये बहुत ही सुंदर एक एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड क्रिएट कर देता है जब हम इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के लिए काम करते हैं। तो बहुत ही इजी सा मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए डिज़ाइन लिया है, चॉइस किया है, जिससे अगर आप बिगनर हैं तो आप लोग घर पे बना सकते हैं इस एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को। इवन आप अपने पोस्टर्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप किसी तरह का पोस्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो इस टेक्निक को आप अपने पोस्टर कलर्स के अंदर एक्रैलिक पेंट करेंगे, आप उसके ऊपर पोस्टर कलर्स पर पोस्टर शीट के ऊपर एक्रैलिक पेंट्स करेंगे और आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ले लिया है मैंने रॉ अम्बर कलर, ब्राउन कलर, और यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा शेप क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ जो मैंने शेप, यहाँ पे मैंने जो डिज़ाइन लिया है वो मैंने लिया है बोट का डिज़ाइन, यहाँ पे शो कर रही हूँ मैं आप लोगों को। बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, क्लियर नहीं होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। तो यहाँ हमने थोड़ा सा बोट का डिज़ाइन, हम नाइफ को हम टैप करके सॉफ्ट हैंड से यूज़ करना है नाइफ को बहुत ही, और हमको इस तरह से यहाँ पर उसका बेस क्रिएट कर लेना है। अच्छा, जब भी हम कलर यूज़ करते हैं, जब भी हम पेंट के अंदर हमारे नाइफ को हम डिप करते हैं तो हमको ध्यान किस चीज़ का रखना है, ध्यान रखना है कि हमको रफ क्लॉथ से हमको हमारा जो नाइफ है उसको हमको क्लीन करते रहना है। यहाँ पे मैंने ले लिया है स्कारलेट कलर, तो यहाँ पे बोट का बेसिक शेप बना दिया है मैंने और यहाँ स्कारलेट कलर यूज़ किया है मैंने। और आपके पास अगर स्कारलेट नहीं है तो आप रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन येलो भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी ब्राइट कलर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो है और बहुत इजी टेक्निक्स शो करी हैं यहाँ मैंने पैलेट नाइफ को चलाने की। बहुत सॉफ्ट हैंड से हमको पैलेट नाइफ देखिए यूज़ करना चाहिए। जैसे ही हम हमारे हैंड को बहुत ज़्यादा टफ़ बनाएंगे पैलेट नाइफ को यूज़ करने के लिए, हमको वो डिज़ाइंस नहीं मिलेगी, हमको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो हम चाह रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब भी आप पैलेट नाइफ यूज़ करें आप बहुत ही सॉफ्ट हैंड अप्लाई करें जब आप पैलेट नाइफ यूज़ करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे शेडोज़ ज़्यादा क्रिएट करनी थी वाटर के अंदर, तो यहाँ पर मैंने अपना ब्लू कलर वापस अप्लाई किया है और यहाँ मैंने व्हाइट कलर को भी देखिए वापस अप्लाई करा है। अब जो मैंने होल्ड करा है पैलेट नाइफ वो मैंने वर्टिकल होल्ड कर रखा है, देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होल्ड कर रखा है मैंने। और बोट के लिए मैंने जो होल्ड किया था वो कैसे होल्ड किया था पैलेट नाइफ को, वर्टिकल होल्ड करा था। तो होल्डिंग्स को पहचाने पैलेट नाइफ की, आप बहुत ही ईजिली इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना सकते हैं। शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के बारे में
में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं टेक्निक को और आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड अपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड के साथ। तो यहाँ देखिए बहुत ही इजीली शैडोज़ क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनके तैयार हो गई है। ये इजी पेंटिंग है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, बिगनर्स के लिए है ये। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप इसी तरह के और आर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं। तो एक्रेलिक पेंटिंग के वीडियोस और भी अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर, आपको एंड स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। उसमें थोड़ा ब्रश टेक्निक्स बताई हैं मैंने किस तरह से यूज़ किया है और एक्सप्लेन भी किया है एक्रेलिक पेंटिंग की ब्रश टेक्निक्स को। तो आप जानना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको ऑयल पेंटिंग के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, आपको एक्रेलिक पेंटिंग के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप वाटर कलर में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को वाटर कलर के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा पोस्टर कलर की पेंटिंग वीडियोस भी अवेलेबल है मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।